आप रोड शो के माध्यम से यहाँ की जनता से देख लीजिएगा, अपार साथ नूर हसन मलिक को मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोगों के लिए सब बराबर हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सहारनपुर से जीतेगी। मंत्रियों के द्वारा किए जा रहे बेटियों का उत्पीड़न, ये तो जनता बताएगी कि कौन विकास करेगा कौन विकास नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी से सहारनपुर मेयर चुनाव में नूर हसन मलिक चुनाव मैदान में हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके प्रचार के लिए सोशल मीडिया के बड़े सेलिब्रिटी निशान ठाकुर जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे के किस प्रकार का यहाँ पर माहौल चुनाव में चल रहा है और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नूर हसन मलिक जी, उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं, उनकी जीत की कितनी संभावनाएं हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका और आपके चैनल के माध्यम से सहारनपुर की जनता से। एक बार अपील करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके जिले तक भेजिएगा और यहाँ का विकास का आप समाजवादी पार्टी के माध्यम से देखिएगा। ठाकुर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि नूर हसन मलिक से आप मोहब्बत है, आसू मलिक से आपको मोहब्बत है या फिर समाजवादी पार्टी से मोहब्बत है जो आप गाजियाबाद से चलकर यहाँ सहारनपुर में आए हैं? सहारनपुर की जनता से मोहब्बत है। आने वाले समय का इंतजार कीजिए, सहारनपुर की जनता ने नूर मलिक को मौका दिया है। आप लोगों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से नूर मलिक को लाया गया है। आसू मलिक जी की मेहनत है, वसीम जी की मेहनत है और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों की सहारनपुर की जनता आप इनको बना के भेजेगी तो आप यहाँ का विकास और आसू मलिक जी का नेतृत्व में समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी और आने वाला समय आपको बताएगा कि यहाँ का विकास किस ओर अग्रसित समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में काम करेगा। ठाकुर साहब, आप तो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए आए हैं लेकिन ज़्यादातर ठाकुर तो भाजपा की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों में काम करती है। समाजवादी पार्टी का एक ही रास्ता है कि विकास। ऐसा नहीं है कि ठाकुर समाजवादी पार्टी में नहीं, अखिलेश यादव सभी लोगों के नेतृत्व में काम कराते हैं और सभी को साथ लेकर एक साथ चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोगों के लिए सब बराबर हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सहारनपुर से जीतेगी और अधिक से अधिक आप लोगों के माध्यम से जिता करके नूर हसन मलिक को जिले तक ले जाया जाएगा। यहाँ के जो बड़े नेता हैं इमरान मसूद, उनका दावा है कि ये जो निकाय चुनाव है इसमें दलित और मुस्लिम समीकरण बन रहा है। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा है। आप तो प्रवक्ता हैं तो आपको क्या लगता है? ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आप रोड शो के माध्यम से यहाँ की जनता से देख लीजिएगा, अपार साथ नूर हसन मलिक को मिल रहा है और वोट के में ये तब्दील हो चुका है। सिर्फ एक बटन दबाने की देरी है, यहाँ से नूर हसन मलिक जीतेंगे और जीत के आप लोगों का विकास करें। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विकास तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो करा सकता है। भला नूर हसन मलिक और बसपा वाले कहाँ पर विकास करा पाएंगे? थाने में हो रहे बेटियों के साथ दुराचार, मंत्रियों के द्वारा किए जा रहे बेटियों का उत्पीड़न, ये तो जनता बताएगी कि कौन विकास करेगा कौन विकास नहीं करेगा। चलिए, तो निशांत ठाकुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।